हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में हम चर्चा करेंगे सत्संग की और सत्संगियों की महिमा की। सच्चे सत्संगी वो होते हैं जो अपने गुरु का आदेश मानते हैं और सत्संग में बराबर हाजिरी देते हैं, ध्यान भजन सुमिरन पे जोर देते हैं और सत्संग का महत्व समझते हैं। तो ऐसे ही एक सत्संगी भाई जी की कहानी में, जो सच्ची कहानी है, आपको सुनाती हूँ। और ये सच्ची कहानी हिमाचल प्रदेश की है और पहाड़ों पर जैसे आपको पता है कितनी ठंड होती है सर्दियों में, पर ऐसे सत्संगी भाई जी जो उसमें भी सत्संग ध्यान भजन सुमिरन को नहीं छोड़ते थे। तो ये सत्संगी भाई जी बहुत कट्टर सत्संगी थे और बड़ा अपने मालिक पर विश्वास रखते थे और अपने गुरु महाराज पर विश्वास रखते थे और सत्संग का कभी भी उल्लंघन नहीं करते थे। नियम से सत्संग जाना, चारों सत्संग करना और सत्संग में जाना, ध्यान भजन सुमिरन करना। सुबह सुबह उठकर के जब वो सत्संग जाते थे सर्दियों में, तो जैसे पहाड़ों पे आपको पता है जब मैदानी इलाकों में अंधेरा होता है तो पहाड़ों पे तो और भी अंधेरा होता है, ठंडक होती है और बारिश हो जाए अगर बर्फ गिरने से पहले तो कितनी वहां फिसलन भी हो जाती है, कीचड़ भी हो जाती है और अंधेरा भी होता है। लेकिन वो सत्संगी भाई जी कभी सत्संग में कोताही नहीं करते थे और सत्संग अटेंड जरूर करते। तो रोजाना की तरह एक बार सर्दियों में सुबह सुबह उठकर वो सत्संगी भाई जी सत्संग के लिए चले और अपने मालिक का ध्यान करते हुए वो चलते जा रहे थे। रास्ते में सत्संग जाते हुए कीचड़ पे उनका पैर फिसला और वो गिर गए, सारे कपड़े कीचड़ में गंदे हो गए। वो उठे, घर वापस आए, कपड़े बदले और सत्संग के लिए वापस चले। रास्ते में गिरे तो फिर एक जगह वो गिर गए, लेकिन वो रुके नहीं। वो उठे, घर वापस आए, कपड़े बदले और दोबारा सत्संग के लिए चल दिए। तीसरी बार जब वो सत्संग के लिए चले तो जैसे ही वो कीचड़ वाले इलाके में पहुंचे तो अचानक अंधेरे में उनको एक आदमी दिखाई दिया। वो आया और बोला, आओ भाई जी, आप बार बार गिर जाते हो, ये लालटेन की रोशनी है, इसमें मैं आपको सत्संग पहुंचा देता हूं जिससे आप गिरो ना। भाई जी बड़े खुश हुए, सत्संग पहुंचे, उसका धन्यवाद किया और बोले, भाई तू बड़ा सच्चा बंदा है, मालिक का बंदा है, जो तूने मेरा को सत्संग पहुंचा दिया और मैं बार बार गिर के भी सत्संग आ गया, ये तेरे लिए मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा और बड़ा तेरा धन्यवाद है। काल था वो, उसने बोला, नहीं भाई जी, आप तो सच्चे सत्संगी हो, मैं काल हूं, मेरा काम है सत्संगियों पर पहरा रखना जिससे वो सत्संग में ना जा सके, मैं काल हूं। अगर सत्संगी सत्संग में जाते रहे और मेरी पकड़ में ना आए तो मेरी सुरतें कम हो जाती हैं, तो मेरा ये काल का देश कैसे चलेगा। भाई जी, आप जब पहली बार गिरे और आपको वो गिराया मैंने ही था, मैं क्योंकि मैं काल हूं, मैं नहीं चाहता था कि आप रोज सत्संग जाते हो और आप सत्संग आपका नागा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप गिरे और उठकर वापस घर आए तो उसी समय मेरे हाथ से, आप तो निकले ही निकले हो लेकिन आपके पूरे परिवार ने उद्धार प्राप्त कर लिया, सत्संग की कमाई प्राप्त कर ली और आप जब दूसरी बार आपको गिराया मैंने सोचा अब आप नहीं जा पाओगे, तो उस बार आप जब लौट करके आए तो आपके पूरे गांव ने कस्बे ने सत्संग की कमाई प्राप्त कर ली। इस तरह से मेरे हाथों से कितनी सुरतें निकल गईं, ये मेरा काल का देश कैसे चलेगा। तो भाई जी कृपा करके
आप अकेले ही सत्संग आओ, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, इसलिए मैं आपको सत्संग राजी खुशी पहुंचाने आया हूं, जिससे आप सत्संग कर लो। और मेरे हाथ से सिर्फ एक आपकी ही सुरत, आप मालिक के बंदे हो, आपको तो मालिक ने तार ही दिया है, पकड़ लिया है आपने मालिक को, तो मालिक ने आपको तार दिया, लेकिन मुझसे मेरी सुरते ना छीनो, इसलिए मैं आपको राजी खुशी सत्संग पहुंचाने आया हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है सत्संगी की महिमा। काल का पहरा है सत्संगी पर, काल का पहरा है हर उस पुण्यात्मा पर जो अपने मालिक के आदेश पे चलता है, जिससे वो भटक जाए और सत्संग छूटे तो काल उसको पकड़ ले, और काल को जो सुरते मिली हैं तो काल उन सुरतों को कम ना होने दे, और काल का ये देश चलता रहे। तो सत्संगी की महिमा क्या रही कि सत्संग करने से जो सत्संगी है वो तो मालिक के चरणों में है ही है, उसको तो मालिक ने तार ही दिया, उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मालिक ने तार लिया। यानी सत्संगी के संग से उसके सत्संग करने से, उसके पुण्य कर्मों से, उसके सत्संग की महिमा से, उसके साथ के लोगों का, उसके आसपास जहां जहां तक उसकी ऊर्जा फैल रही है, लोगों का उद्धार हो जाता है। तो एक सत्संगी अपने नियम से कितने लोगों को तार सकता है, ये सत्संग की महिमा है। ऐसे ही सत्संग की महिमा गुरु नानक साहब के टाइम समय में सामने आई थी, और गुरु नानक साहब के जो सत्संगी थे, जो भगत थे, जो सत्संग में जाते थे नियम से दर्शन करने गुरु महाराज के, उनको किस तरह से पुण्य प्राप्त होता था, उसकी भी कहानियां बहुत हैं। तो ये सत्संग की कमाई है। तो सत्संग की जो नियम से भजन ध्यान सुमिरन में बैठते हैं और अपने गुरु का आदेश मानते हैं और सत्संग करते हैं, वो खुद को नहीं पूरे कुल को तार देते हैं, उनके आसपास की ऊर्जा, जहां जहां तक उनकी ऊर्जा जाती है, आसपास की ऊर्जा पवित्र और शुद्ध हो जाती है। एक पहले जन्म में बीज पड़ता है, बीजा पड़ता है, यानी मालिक के नाम की तरफ आकर्षण होता है, बीज पड़ता है। जैसे इन सत्संगी भाई जी की ऊर्जा से कितने ही लोगों को बीज पड़ा सत्संग का, अगले जन्म में नाम मिलता है, नाम मिलता है, यानी नाम हरि नाम का, गुरु नाम का उपदेश मिलता है, जिसका भजन ध्यान सुमिरन करने से सूरज जो है वो मालिक के देश की तरफ खिंचती है और पवित्र होती है। तीसरे जन्म में ये भजन ध्यान, नाम का भजन ध्यान सुमिरन काम आता है और मुक्ति मिलती है। देखिए, मुक्ति मिलती है, खाली मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। मुक्ति मिलती है यानी ज्ञान प्राप्त होता है और शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि हो जाती है, आपसे ये सारी वासनाओं से ये मुक्त हो जाता है जीव, लालसाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो जाता है जीव। जो मैंने गीता उपदेश में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है उसको बताते हुए डिस्क्राइब किया है। और चौथे जन्म में निज धाम प्राप्त होता है, आपको अपने गुरु का धाम प्राप्त हो जाता है और आवागमन से, इस संसार के काल चक्र से मुक्ति मिल जाती है, असली आपको निजधाम मिल जाता है, उद्धार हो जाता है। तो आप मुक्त हुए तीसरे जन्म में, और जब करते रहे भजन ध्यान सुमिरन, तो मालिक की दया से, गुरु की दया से
निज धाम जब प्राप्त होता है तब हर मंडल से छूट करके अपने गुरु के धाम को प्राप्त होता है जीव। इस तरह से ये काल का चक्र छूटता है, काल का देश छूट जाता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है जीव। जीव की मुक्ति हो जाती है बार बार की उलझनों से। तो इतनी महिमा है सत्संग की, और उसकी महिमा, सत्संग की महिमा है सत्संगी से। एक सत्संगी के संग से कितने लोगों का उद्धार हो जाता है। इसलिए गुरु कहते हैं कि सत्संगी भाई बहन मिलकर सत्संग करें, और सत्संगियों को विहार करना चाहिए, घूमना चाहिए। जैसे गुरु नानक साहब ने बोला था कि घूमते रहो, चलते रहो, और जो दुष्ट है वो एक जगह रहे जिससे उनकी गलत ऊर्जा चारों तरफ ना फैले, और जो सत्संगी हैं वो बिखर जाएं जिससे चारों तरफ सत्संग की ऊर्जा फैले। तो सत्संग की ये महिमा है, गुरु संघ की ये महिमा है, और गुरु संघ करने वाले सत्संगी भाई बहनों की ये महिमा है। तो फ्रेंड्स, आज की एक अच्छी सुंदर कहानी का मैं यहीं समापन करती हूँ। ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मैं आशा करती हूँ आप भी अपने गुरु का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, और हम सब सत्संगी भाई बहन मिल करके अपने गुरु का ध्यान करते रहेंगे और सत्संग करते रहेंगे, आनंद प्राप्त करते रहेंगे, और प्रार्थना करेंगे कि इस संसार को कष्टों से मुक्ति मिले, हमको कष्टों से मुक्ति मिले, इन संसार की अतृप्त वासनाओं से मुक्ति मिले। तो मैं आज आपसे यही आज्ञा चाहती हूँ, और फिर आती रहूंगी गुफ्तगू में, बातें करती रहूंगी सत्संग की, सत्संग की महिमा की, गुरु कृपा की, प्रभु कृपा की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अनूठी में विजिट करने के लिए। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।